सो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और ये है भाई अपनी ओल्ड बुलेट, और आज इसमें भाई एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हम, जो कि है भाई अपनी जो पटाखा मशीन होती है वो भाई इस ओल्ड वाली बुलेट में हम लगा के देखने वाले हैं कि भाई कुछ परफॉर्मेंस में या साउंड में या पटाखों में कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। अभी भाई इसके अंदर दूसरी सीढ़ी लगी हुई है, वो थोड़ी सी पतली सी है, अभी मैं आपको सीट हटा के दिखाता हूँ उसकी। एक बार पकड़ियो। तो अभी भाई इसके अंदर ये वाली सीढ़ियाँ ही लग रही है, ये देखो कितनी पतली है इसके अकॉर्डिंग। तो ये अपनी भाई पटाखा मशीन है, पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, तो ये वाली इंस्टॉल करके दिखाता हूँ भाई आपको। फिलहाल भाई एक बार ही साउंड के कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको पता लग जाए, पहले इस वाली सीढ़ियाँ के साथ भी अपनी बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। अभी भाई मैंने भी चेक नहीं करी है ये वाली, तो उसके बाद मैं भी लाइव ही देखूँगा कि इससे कुछ भाई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, क्योंकि ये आती तो वैसे ओल्ड इलेक्ट्रा में ही थी, तो फिर भी इसमें दूसरी वाली लग रही है, पतली वाली है ये, तो क्या पता कुछ करंट वगैरह में फ़र्क पड़े इससे भी। एक बार भाई चेक करते हैं हम भी। ये तो स्टार्ट ही नहीं हुई भाई। इसके शायद तार थोड़े से और अंदर लगेंगे ढंग से। ये तो भाई नखरे कर रही है। पटाखा फोड़ के देखते हैं भाई ओरिजिनल वाली सीढ़ी में जो इसकी लगी हुई है। पटाखा तो नहीं फूट रहा भाई इस वाली में। अब भाई सीढ़ी को चेंज करके देखते हैं कुछ परफॉर्मेंस में, साउंड में या पटाखे में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो भाई बाइक को करते हैं ऑफ, और उसके बाद भाई अब सीढ़ी चेंज करता हूँ मैं। ये है भाई अपनी पुरानी वाली सीढ़ी जो लगी हुई है बाइक में इस वक्त, और अब ये अपनी पटाखा मशीन वाली जो सीढ़ी है फेमस वाली, ये लगाएंगे। ये लग गई सॉकेट में, और ये वाली लग गई भाई इस वाले सॉकेट में। तो ये वाली भाई फिट कर दी हमने, और ये वाली अब अलग से अब अपने पास हो गई है, ये रख दी साइड में। अब भाई चेक करते हैं दोबारा से स्टार्ट करके बाइक को। भाई साउंड तो लगभग इसका सेम ही है, एक बार पटाखा चेक कर लेते हैं भाई। फायर ही मार रही है तो बस ऐसे ही, पटाखा तो इसमें भी नहीं फूट रहा। तो भाई शायद ये सीढ़ी इसमें कुछ काम नहीं कर रही है अपनी वाली, और शायद भाई थोड़ा बहुत अपने को इंजन में भी काम करवाना पड़ेगा अपनी बुलेट के, क्योंकि भाई थोड़ा सा ना वाइट स्मोक दे रही है ये, तो क्या पता भाई उसके बाद ये थोड़ी बहुत आए इसकी जो ट्यूनिंग और साउंड वगैरह का डिफरेंस है थोड़ा सा। मैं इंजन में देखो साउंड भी आ रही है, तो क्या पता ये सब थोड़ा सा हमको थोड़ा सा इसमें काम करवाना पड़े इंजन में, उसके बाद इसकी जो साउंड और ट्यूनिंग और पटाखा है वो थोड़ा सा सही है। देखो कैसे धुआं निकल रहा है साइलेंसर में से। तो भाई फिलहाल सीडीआई ने तो इसमें कुछ काम नहीं किया है, वो वाली लगाओ या वो वाली एक ही बात है इसमें ओल्ड वाली में। अपनी स्टैंडर्ड में तो भाई बढ़िया काम करती है वो वाली भी। फिलहाल भाई इतना ही बताना था वीडियो में, चेक कर रहे थे हम भी, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा इस वाली सीडीआई से। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, जय श्री राम सभी भाइयों को, बाय।